मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड अब नहीं बच पाएगा। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को झुकना ही होगा। कुछ ऐसी ही बातें इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान से आतंकी हाफिज सईद को हिंदुस्तान के हवाले करने की मांग की है। ये दावा वहां की मीडिया कर रही है। पाक का कहना है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से हाफिज सईद को सौंपने की मांग की है। पाकिस्तानी मीडिया इस्लामाबाद पोस्ट ने दावा किया है कि हालिया घटनाक्रम में भारत सरकार ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि राजनयिक सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भारत सरकार से आधिकारिक अनुरोध मिला है, जिसमें हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान ये दावा कर रहा है, तो वहीं पाक ने हमेशा से ही इस आतंकी को पनाह देने का काम किया है। कुछ सालों पहले पाकिस्तान में एक बार फिर कश्मीर के एजेंडे को जिंदा करने की कोशिश शुरू की गई थी। पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? के नारे गूंज रहे हैं। ये वही नारे थे जिनका सीधा नाता 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से लग रहा है। लश्कर-ए-तायबा के चीफ हाफिज सईद के जेल जाते ये नारे बुलंद हुए थे, लेकिन अब हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद इन नारों को जिंदा करने की कोशिशों में जुटा हुआ नजर आया था। कौन है हाफिज सईद? आतंकी संगठन लश्कर-ए-तायबा का संस्थापक और वर्तमान में जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा में 10 मार्च 1950 को हुआ। वो भारत की सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में शामिल है। मुंबई की 26/11 हमलों में उसका हाथ होने की बात सामने आई थी, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिक समेत 166 लोग मारे गए थे। भारत तब से पाकिस्तान से लगातार उसे सौंपने को कहता रहा। अमेरिका ने दुनिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों की जो सूची जारी की थी, उसमें हाफिज सईद का नाम भी था। उस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम भी घोषित कर रखा था। साथ ही हमेशा से ही कहा जाता रहा है कि वो आराम से पाकिस्तान में घूमता रहा और सार्वजनिक तौर पर सभाओं को भी संबोधित करता रहा है। सईद अरबी और इंजीनियरिंग का पूर्व प्राध्यापक था। वो जमात उद दावा का संस्थापक है। ये एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है, जिसका मकसद भारत के कुछ हिस्सों और पाकिस्तान में इस्लामी शासन स्थापित करना है। हाफिज ने संगठन तब बनाया था जब पाकिस्तान में लश्कर-ए-तायबा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर हुए हमलों के बाद लश्कर-ए-तायबा पर दुनिया की नजरें टिकी और अमेरिका ने लश्कर को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। साल 2002 में पाकिस्तानी सरकार ने भी लश्कर पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद हाफिज सईद ने लश्कर-ए-तायबा का नया नाम जमात उद दावा रखा। हालांकि हाफिज सईद इस बात से इनकार करता रहा है कि जमात उद दावा का लश्कर से कोई संबंध है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुंबई आतंकी हमलों के तुरंत बाद दिसंबर 2008 में जमात उद दावा को आतंकी संगठन घोषित किया था। मुंबई हमलों के बाद सईद को अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए 6 महीनों से कम समय तक नजरबंद रखा गया। लाहौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसे 2009 में रिहा कर दिया गया था। पाकिस्तान में भी जमात उद दावा का प्रतिबंध है, लेकिन वो जिहाद के लिए पैसा जुटाता है। उसका प्रमुख हाफिज सईद खुलेआम जिहाद के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करता रहा है। हाफिज सईद ने अफगानिस्तान में जिहाद का प्रचार करने और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 1985 में जमात उद दावा वल इरशाद की स्थापना की और लश्कर-ए-तायबा उसकी शाखा बनी। 1990 के बाद जब सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से निकल गए, तो हाफिज सईद ने अपने मिशन को कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। कश्मीर में आतंकी कार्रवाई करने वाला सबसे बड़ा पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तायबा है। लश्कर और ISI के रिश्तों के सुराग अनेकों बार मिल चुके हैं। भारत सरकार 2003, 2005 और 2008 में हुए आतंकी हमलों के लिए लश्कर-ए-तायबा को जिम्मेदार मानती है। भारतीय संसद पर हमले की कड़ी भी इसी गुट से जुड़ती रही है।